चित्रकूट, चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बताते चलें, पहाड़ी थाना प्रभारी ने मजदूरों को बेबसी को देखते हुए तन मन धन से की मदद। साधन के अभाव के चलते 50-50 किलोमीटर लोग चलने को हैं मजदूर पैदल। खबर चित्रकूट से, जहां हफ्तों से चल रहा है पैदल पगयात्रा, जहां आपको बताते चले मजदूरों को बेबसी की कई जगह ऐसी ही तस्वीरें आती हैं जो दिल को झकझोर कर रख देती हैं। और चित्रकूट में भी आज ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां पर अपने साथी को कंधे पर लादकर मजदूर कई किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करते हुए दिखाई दिए। प्रतिदिन मजदूर क्षेत्र में पैदल से, जैसे यहाँ पे ममसी, बरेठी आदि कई गांव करबी से लेकर पहाड़ी से गुजरते हुए पैदल यात्रा करते हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें कि चित्रकूट में आज ऐसी तस्वीर देखने को मिली, जहाँ पर अपने साथी को कंधे पर लादकर दो मजदूर कई किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करते हुए दिखाई दिए। बड़ी बात यह है कि सरकार के जहां एक तरफ दावे हैं कि ऐसे मजदूरों को प्रशासन खाना पानी की व्यवस्था कराने के साथ ही उनके घर पहुंचाने के इंतजाम कर रही है, कोर्ट में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। हालांकि जब हमारे संवाददाता ने जब इनकी बेबसी देखी, वहीं सूचना पर पहुंचे थाना अध्यक्ष पहाड़ी सुशील चंद्र शर्मा ने इनके खाने पीने एवं घर जाने के लिए साधन की व्यवस्था कराई। सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र आदि जगहों से प्रवासी आते हैं और लगभग 50-50 किलोमीटर दूर तक पैदल सिर में बैग रख कर जाते हैं। देखिए, चित्रकूट से हमारा चैनल दिखा रहा है आपको कई ऐसी तस्वीरें जो प्रवासी मजदूरों की आवाज़ें दिल को झकझोर कर देंगी। जी हाँ, आपको बताते चलें आपको पूरा मामला पहाड़ी थाना कस्बे का है, जहाँ एक कौसाम्बी जिले के रहने वाले कुछ मजदूर अपने एक साथी को कंधे पर लाद कर ले जाते दिखे, और जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये हरियाणा में काम करते थे और काम बंद होने से अब कौसाम्बी जा रहे हैं। वह 16 मई को वहां से चले थे और इन्हें रास्ते में बीच बीच में साधन मिलते गए और कुल दूरी का सफ़र इन्होंने पैदल चलकर तय किया। वहीं जब ये आगरा पहुँचे तो वहाँ पर पुलिस ने इन्हें खदेड़ा, जिसमें ट्रक से उतरते समय इनका साथी गिर गया और इस के ऊपर कई लोग चढ़ गए, जिससे इसके पैर में मोच आ गई। वहीं यह आज चित्रकूट पहुंचे, जहां करबी मुख्यालय से पहाड़ी तक ये अपने साथी को लेकर कंधे पर लादकर पैदल पहुंचे हैं। आपको बता दें, प्रवासी मजदूर रहीम बख्श एवं उसके साथी जो पैदल जा रहे थे, उन्होंने भी बताया कि रात में एक बस गई करबी से, जिसमें बहुत लोग भरे थे, जिसके भारी भरकम भीड़ भाड़ थी, जिसकी वजह से हम लोग नहीं बैठे और अभी सुबह एक ऑटो बुक कर पहाड़ी तक आए हैं। जब हमारे पास साधन न होने के चलते हम लोग पहाड़ी से ममसी, जिसकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, हम पैदल जा रहे हैं, हमारे पास कोई भी साधन मुहैया नहीं है। बात की गई, क्या सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं मिली आपको, तो जवाब में उन्होंने बताया कि हमको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। तब हम साधन न मिलने के चलते हम लोग पैदल जा रहे हैं। सुने प्रवासी मजदूर नरेंद्र, घायल प्रवासी मजदूर राजकरण एवं प्रवासी मजदूर रहीम बख्श की जुबानी। चित्रकूट से दिनेश सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। 16 तारीख कहाँ से चले थे? हरियाणा। फिर कैसी कैसी क्या व्यवस्थाएं मिली रास्ते में? रास्ते में थोड़ा दूर पैदल, थोड़ा दूर साधन से हम लोग भाकमल मची भागे, मेरा रास्ता में गिर गया, पैसे में मोच आ गई। ये घटना कहाँ पर हुई? और आगरा। हाँ, आगरा। आगरा, फिर वहाँ से क्या व्यवस्थाएं हुई आने की? साधन से आए थे। साधन से खाने पीने क्या व्यवस्था थी रास्ते में? खाने पीने के रास्ते में व्यवस्था हो गई, खाना मिलता था। अभी यहाँ से कहाँ से पैदल आ रहे थे? यहाँ से तो अभी यही करबी तक ऑटो किए थे, अभी करबी से पैदल यहाँ तक आए पहाड़ी तक। तो कितने दिन हो गए वहाँ से निकले हुए? तीसरा दिन है। किस तारीख को वहाँ से चले थे? 16 तारीख। आज कौन सी तारीख है? 18 तारीख। क्या नाम है आपका? रहीम बख्श। क्या नाम है? रहीम बख्श। रहीम बख्श, अच्छा ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? हम करबी से आ रहे हैं। नहीं, और बहस कहाँ से आए हुए? गुजरात सूरत। किस पे आए हैं? वहाँ से तो ट्रेन से आए। अच्छा, वहाँ से ट्रेन पे आए। तो
और करबी से? करबी से अपने भाड़े पे ऑटो करके आए हैं, वहाँ से एक बस दिया है रात में, उसमें भी भीड़ था इतना कि बोले अपना अपना सामान लो और अपना जो सुविधा हो करो, हमारे से कोई सुविधा नहीं हो पाए। अच्छा, तो इस अब कहाँ जा रहे हैं आप? मामसी जा रहे हैं। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, तो इसी प्रकार से सामान लेकर पैदल जाएंगे? हाँ, पैदल जाएंगे और क्या सर, कोई वही नहीं। अच्छा, जैसा कि सरकार कह रही है कि हम लोग सभी को साधन मुहैया करा रहे, ऐसा कुछ नहीं मिला आपको? नहीं, हमें कुछ व्यवस्था इधर नहीं मिली। अच्छा, क्या नाम है आपका? सलताब। सलताब, कहाँ से आए हैं? सूरत से। कहाँ जा रहे हैं? मामसी। मामसी जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अल्लाह हुसैन। अल्लाह हुसैन, कहाँ जा रहे हैं? मामसी। मामसी, अभी समय कहाँ हैं आप? पहाड़ी में। पहाड़ी, कितना दूर है यहाँ से? 30 किलोमीटर। तो पैदल ही जाएंगे कि कुछ साधन है आपके पास? पैदल ही जाएंगे, साधन वाला